हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीएम मोहित तापरिया। और आज जो हम टॉपिक करने वाले, बड़ा ही साधारण, बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। आप लोगों ने ये टॉपिक के बारे में अपने घर में, परिवार में बहुत बार डिस्कशन किया होगा, पॉवर्टी, जिसको पॉवर्टी भी बोल सकते हैं, दैट इज गरीबी, राइट। अब आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी के कॉजेस क्या क्या है, किन किन तरीके से सरकार पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करती है, और पॉवर्टी बढ़ने के बेसिक रीजंस क्या क्या होते हैं, क्यों इतनी ज्यादा पॉवर्टी हमारे यहाँ पे बढ़ती है, क्या और भी किसी का कनेक्शन है इस चीज को बढ़ाने में या गिराने में, ये सब की सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका क्या काम रहेगा? आपका काम रहेगा बस एकदम टिक के मेरे साथ बैठे रहो, एंड तक कहीं जाना मत। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही रोमांटिक सब्जेक्ट बनाने का मेरा वादा 100% मैं निभा के ही जाऊंगा, राइट इनफ। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ, दैट इज ऑल अबाउट पॉवर्टी। अबे पॉवर्टी होता क्या है यार? मतलब नॉर्मली आपने अपने आसपास में देखी होगी बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत गरीब है, जिनके पास अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें पूरी करने जितनी भी कमाई नहीं होती है, वो बेसिकली पुअर होते हैं। जो पॉवर्टी की एक डेफिनेशन रहती है, द सिचुएशन वेयर अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जब वो अपने बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हम पुअर बोलते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। चलिए भले ही कहने के लिए पुअर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम गरीब उस आदमी को मानते हैं जो आदमी कमाता नहीं है या सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बट मेरे हिसाब से एक आदमी गरीब कभी भी गरीब सरकारी योजना के वजह से या खुद की वजह से नहीं, बट के खुद के मॉरल एथिक्स के वजह से गरीब रहता है वो आदमी। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, आपके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप अपने बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं या तो आप में पैसे कमाने की चाह की कमी है, या आप में कहीं ना कहीं कुछ मॉरल एथिक्स की कमी होती है, जहां बेचारा एक आदमी पैसे नहीं बना पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे मौके होते हैं, बट वो किसी ना किसी कारणवश मौके किसी भी तरह से ग्रैब नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण वो लोग गरीब रह जाते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ था, टॉपिक अच्छा चल रहा है इसलिए सुनाता हूँ आपको। किस्सा ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे सोफा बना रहे थे हम लोग, राइट। सो हमने सोफा बनाने के लिए एक दुकानदार को बुलाया, हमने बोला भैया हमें हमारे घर पे सोफा बनाना है। वो आदमी अगले दिन आया, माफ वाप लेके गया, हमें कोटेशन देके गया कि भैया 50,000 का सोफा बनेगा। हमने बोला ठीक है डन, ठीक है कल से आ जाओ, काम चालू करो, सोफा बनाओ 50,000 का। सो वो मेन मालिक था, राइट, जो माप वाप लेना है। वो अगले दिन आया, अपने दो कारीगरों को साथ में लेके आया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे सोफा बनाना है और सब सामान ला के दे दिया। बोला तुम काम करना चालू करो, मैं बाकी सामान लेके आता हूँ, बराबर है। दोनों मजदूरों ने सब सोफे का काम किया, फॉर्म लगाया, लकड़ा काटा, डिजाइन शेप देना वगैरह वगैरह, राइट। 3 दिन लगे कुल मिला के, राइट। 3 दिन बाद में तीसरे दिन हमारा सोफा टकाटक रेडी हो गया, राइट, एकदम A1 जोरदार सोफा बनाया हमारा। माई फादर वॉज वेरी हैप्पी। सो मेरे पापा ने बोला बहुत बड़ा सोफा बनाया भैया आपने, मजा आ गया आपके सोफे में, लीजिए आपका हिसाब करते हैं, राइट। पापा ने उनका हिसाब किया, हिसाब करने के साथ साथ पापा ने बोला कि यार आपका काम बहुत बढ़िया लगा, एक काम करो ना, कल आप मेरे छोटे भाई के घर पे आओ, राइट, मेरे छोटे भाई के घर पे भी सोफा ही बनवाएंगे और आपसे ही बनवाएंगे, आप आइए, राइट। तो वो आदमी बोला ठीक है सर मैं कल आता हूँ आपके छोटे भाई के घर पे, एड्रेस वेड्रेस लेके चला गया हमसे। और तीनों, वो मेन मालिक और दोनों कारीगर, तीनों साथ में हमारे घर से नीचे उतरे, राइट। 2 ही मिनट हुआ होगा, पापा ने घर का गेट बंद ही किया, तब तक एक कारीगर वापस से आ गया, बोले सर कुछ सामान रह गया, ये रह गया, ऐसे देखते देखते सामान देखने ऊपर आ गया। फिर धीरे से जेब से पापा को अपना एक कार्ड निकाल के देता है, पापा को बोलता है, बोले सर एक काम करो आप मेरे को फोन करना, मैं उनका ही कारीगर हूँ, ये पूरा मैंने ही बनाया, आपने देखा ही है, मैं आपको उनसे सस्ती रेट में बना दूंगा, आप खाली मुझे मौका देना, राइट। सो मेरे फादर ने वो कार्ड रख लिया और मुझे मेरे फादर ने कहा कि ले बेटे एक काम कर, इसको ही फोन कर लेंगे, अपने ने देखा ही है भाई, 90% काम तो उन दोनों ने ही किया है, तो क्यों फालतू ज्यादा पैसा दे। सो मैंने कहा कहीं ना कहीं ये आदमी इसलिए गरीब है, दिस ही इज अ लेबर जस्ट विद अ रीजन बिकॉज ही इज लैकिंग सम एथिक्स एंड मॉरल्स। अरे सर अगर आपको अपना काम अलग करना है, जाके अपने मालिक को बोलो कि भैया मुझे अलग करना है, राइट। ये पीछे से चोरी करने वाली आदत बहुत गलत आदत है। सो मैंने क्या कहा था, एक आदमी गरीब मजबूरी से होता है और एक आदमी गरीब अपने कर्मों से होता है, ये कर्म वाला गरीब है। मजबूरी से गरीब हो आपकी गलती नहीं, बट कर्म से गरीब हो आपकी गलती, मेरा ये मानना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ योर जॉब, राइट। आपके लिए कभी भी पॉवर्टी देखने की नौबत नहीं आएगी, राइट। पैसा कमाना बहुत ईजी है अगर आपको सही तरीका, सही
वे आता है पैसे बनाने का। सो पॉवर्टी कभी भी बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकती है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो वो बेचारे गरीब है, उनकी गरीबी समझ में आती है। बाकी आम आदमी पैसा आराम से बना सकता है, राइट। सो आज हम इस चैप्टर को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें हम इस पॉवर्टी के दौरान करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, बेसिक नेचर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिक सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सी बात मतलब भैया अगर आपके पास आपकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, मतलब आप गरीब हो, काम खत्म, राइट। रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज जो आदमी को जीने के लिए खाने के लिए चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एब्सोल्यूटली पुअर हो। यस, यू आर एब्सोल्यूटली पुअर, एंड वेरी सिंपल थिंग, राइट। बट रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव पॉवर्टी आपको कंपैरिजन करवाता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करवाता है कि भैया ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, बराबर है। मिस्टर ए की कमाई है 1 साल की 1 लाख की, मिस्टर बी की कमाई है 1 साल की 1.5 लाख, 1,50,000 की, बराबर है। इन दोनों में किसकी कमाई कम है? ए की कम है। सो भैया ए हो गया पुअर और बी हो गया रिच, दैट्स इट। रिलेटिव पॉवर्टी में हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, जिसकी इनकम कम है वो आदमी पुअर माना जाता है। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली खाली डेवलप्ड नेशन में देखने मिलता है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डेवलप्ड नेशन में देखने मिलता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलपिंग नेशंस में आपको देखने मिलेगा, दैट इज कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्रीज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट चलता है, जबकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट चलता है। रिलेटिव पॉवर्टी में दुनिया का एक आदमी छोड़ के बाकी सब गरीब है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में हर आदमी के पास पैसा कम है, वो आदमी गरीब ही माना जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ज्यादा हमारी कंट्री में काम आता नहीं है, राइट इनफ। सो ये रहेगी हमारी सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट वॉज नेचर ऑफ पॉवर्टी। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था, राइट। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की मैंने आपको डेफिनेशन आपके लिए डिटेल में यहाँ पे प्रेजेंट की है। पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूटली पुअर। अगर आपकी इनकम एक बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने जितने भी नहीं है तो आपको पुअर माना जाएगा, राइट। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफाइन की है, द मिनिमम एक्सपेंडिचर इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स। आप अगर अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो भैया आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, और अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो मतलब आप एब्सोल्युटली पुअर हो एज पर द फर्स्ट डेफिनेशन। जबकि सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी इज कंसिडर्ड कॉमनली इन एवरी इकोनॉमिक इनकम डिस्पैरिटी सीन, इन दैट केस लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू हायर इनकम क्लास। मैंने ऊपर कहा था आपको ए गरीब है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए की इनकम 1 लाख है, बी की इनकम 1.5 लाख है, राइट। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के लिए वैलिड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका जापान ऐसी इकोनॉमीज में बढ़िया लगता है, हमारी इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट का ज्यादा मजा आता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, इंडिकेटर्स पढ़ना चालू करने वाले हम, मतलब किन किन चीजों को देख के क्या क्या बेसिक इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपकी कंट्री में कितनी गरीबी है। पहला इंडिकेटर क्या होता है गरीब देश का, लो पर कैपिटा इनकम एंड हाउस होल्ड कंजप्शन भी हमारे लो होते हैं, राइट। हमारी इनकम भी लो होती है, हमारे बेसिक हाउस होल्ड कंजप्शन भी लो होते हैं। अब पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली किसे कहा जाता है? सर, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ फैमिली स्पेंड्स ऑन एन एवरेज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक परिवार गुड्स और सर्विसेज में कितना खर्चा करता है उसे कहा जाता है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक आदमी, एक परिवार, एक सिंगल फैमिली मेंबर पे कितना स्पेंडिंग करेगा उसके रोज के खाने के लिए, उसके रोज के कंजप्शन के लिए, उसे कहा जाता है पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और ये पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एक गरीब देश में, एक डेवलपिंग नेशन में बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। सो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, राइट। हम चेक क्या करेंगे, पूरी कंट्री की स्पेंडिंग कितनी है अपॉन हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उससे हमें पता चलेगा कि भैया पूरी कंट्री की एवरेज स्पेंडिंग कितनी होती है पर पर्सन, राइट। द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज मच लोअर देन कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, राइट। हमारी जैसी गरीब कंट्रीज की, वैसे ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, ये किताबें बहुत पुरानी है, ये इंडिया को आज भी डेवलपिंग 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 मानती है। सर, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है डेवलपिंग लेवल से। अब इंडिया कुछ दिनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर आपको बता दूंगा वो डेवलप्ड नेशन में आने लग जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरक्की की है, राइट।
नो डाउट आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट एट पार एज जापान और चाइना, नो वी आर नॉट एट पार विद देम, राइट, बट देन टू वी हैव डन अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क इन लास्ट 10 ईयर्स, राइट। सो अब जो आपकी नई बुक प्रिंट होगी 2021-22 के डेटा आएंगे, तब आपके पास बहुत मार्वेलस डेटा हाथ में आने वाले, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हाथ में आएगी। सो फिलहाल के लिए पहला टॉपिक था हमारा लो पर कैपिटा इनकम, ये हो गया पहला इंडिकेटर। सेकेंड इंडिकेटर हो गया लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ पे लोगों को एक अच्छा खाना, एक न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पाता है, उसे कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। सो माल न्यूट्रिशन इज सच अ सिचुएशन इन विच फूड टेकन बाय द इंडिविजुअल लैक्स कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब हर तरीके की अच्छे गुण हमारे खाने में जब नहीं पहुंच पाते हैं, उसे माल न्यूट्रिटिव फूड कहा जाता है। और डेवलपिंग नेशन में आपको ऐसा माल न्यूट्रिशन बहुत जगह देखने मिलेगा। अगर हम देखें तो ईयर 2014 to 16, 15.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज माल नरिश, राइट। हमारी पॉपुलेशन की करीबन 15% आबादी के पास अच्छा नरिशमेंट वाला फूड अवेलेबल नहीं था। ये हो गया सेकेंड इंडिकेटर। तीसरे पाएंगे दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हमारे कंट्री में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है, मतलब लोग कितने साल तक जिएंगे, पैदा होने के बाद कितने साल तक जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे, उसे कहा जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 68 है, ये जापान में 85 तक है, राइट। वैसे अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टालिटी की, मतलब कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, राइट। ये 1000 पे से गिना जाता है, 100 पे से नहीं गिना जाता है, पर 1000 में गिनते हैं। सो हमारी कंट्री में पर 1000 में 39 बेबीज ऐसे थे जिन्होंने एक साल खत्म होने से पहले ही दुनिया छोड़ दी थी, राइट। सो ये नंबर बहुत बड़ा है, डेवलपिंग नेशन में ये फिगर बहुत बहुत बड़ा होता है, डेवलप्ड नेशन में बहुत छोटा होता है, 1, 2, 3 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। सो इंडिया में 39 है, विच इज वेरी ह्यूज, बट जैसे कि मैंने कहा डेटा 2014 का है, राइट। अभी हम 2021-22 में आ जाएंगे, सो पिछले 6-7 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं, सो ये डेटा अलग भी हो सकता है, बहुत अलग होगा इनफैक्ट, राइट। आगे बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज व्हाट आर द बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, कौन सी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हमें अवेलेबल, देखें कहाँ कहाँ कितने कितने मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, राइट। सो डेवलपिंग नेशन में नॉर्मली मेडिकल फैसिलिटीज कम होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन, राइट, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम ऑब्जर्व करें सो डेवलपिंग नेशंस के अंदर 6000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होता है, जबकि वही डेवलप्ड नेशन लाइक अमेरिका, जापान, वहां पे हर 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। सो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज, लैक ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा चौथा इंडिकेटर। पांचवा इंडिकेटर ड्रिंकिंग वाटर। हमारे यहाँ पे अच्छा स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, भले ही हम कहते हैं कि भैया दुनिया में 3/4 तो पानी है, बट गलत बात है, उसमें से ड्रिंकेबल वाटर इज ओनली 1 or 1.5%। सो हमारे यहाँ पे पीने लायक पानी की बहुत कमी है। अगर हम सोर्सेस पे भरोसा करें सो टोटल अगर फैमिलीज की अगर हम बात करें तो 63% फैमिलीज को अच्छा ट्रीटेड पानी मिलता है, 8.67% फैमिलीज को अनट्रीटेड पानी मिलता है, और बाकी 26% फैमिलीज को बाकी सोर्सेस से पानी मिलता है, कुएं से, तालाब से वो लोग लेके आते हैं, राइट। सो म्यूनिसिपल पानी, एसएमसी वाला पानी 63% आबादी को मिलता है जो पीने लायक है, 8.6% वालों को पानी मिलता है इट्स ड्रिंकेबल बट नॉट एज गुड एज ट्रीटेड वाटर, एंड बाकी 26 को तो अलग अलग सोर्सेस से पानी जुगाड़ने पड़ते। तो इन शॉर्ट अभी भी हमारी कंट्री में वाटर हर किसी के लिए प्योर अवेलेबल नहीं है, एंड आप मानो के मत मानो हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। तो हमारी बॉडी में बीमारी होने का सबसे मेन रीजन वाटर होता है। तो जब तक हमको अच्छा पानी नहीं मिलेगा हम कभी भी हेल्दी लाइफ आगे जी नहीं पाएंगे। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइट। आगे बढ़ेंगे प्रोविजंस ऑफ टॉयलेट, ये तो हम सब देख चुके हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा में ऑलरेडी की हमारी कंट्री में भैया टॉयलेट की बहुत मारामारी है। अगर टोटल 100 फैमिलीज होती है तो खाली 66 फैमिलीज ऐसे जिनके घरों के अंदर टॉयलेट है, बाकी सबके पास अलग अलग फैसिलिटीज है, या तो उनको सरकारी शौचालय यूज करने पड़ते हैं या और कोई तरीकों से अपना गुजारा निकालना पड़ता है। सो देर आर मेनी मेनी पीपल हु स्टिल डोंट हैव बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज विद देम, राइट। दिस इज अगेन अ सिचुएशन, इट इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज की, तो सर कहने के लिए हम सबके पास घर है, राइट, बट घर सुरक्षित होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, अच्छी कंडीशन वाले होने चाहिए, अच्छी वेंटिलेशन वाले होने चाहिए, अच्छी जगहों पे होने चाहिए, राइट। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं, ऐसा कहा जाता है कि हमारी कंट्री में करीबन करीबन 60 करोड़ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें रहना बहुत रिस्की है, किसी ना किसी कारणवश उन घरों में रहना बहुत रिस्की है। तो भले ही कहने के लिए हमारे लोगों के पास घर है बट वो घर झोपड़पट्टीज में है, स्लम्स में है, तो उन घरों में आज भी रहना लोगों के लिए इतना इजी नहीं है, वो आज भी बहुत रिस्की माना जाता है। दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज हाउसिंग फैसिलिटीज।
इसके बाद में इलेक्ट्रिक कंजप्शन अगर हम देखेंगे तो सर इलेक्ट्रिसिटी आज की तारीख में हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। बिना बिजली के कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं होता, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इलेक्ट्रिसिटी। जो कंट्री बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है वो कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट को ऑब्स्टेकल करे, अपने डेवलपमेंट के लिए हिंड्रेंस क्रिएट करे। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ मेन प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम पर पर्सन इलेक्ट्रिक कंजप्शन इज वेरी वेरी लेस। हमारे यहाँ पे आज भी पर पर्सन इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत कम है क्योंकि हम इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत डेवलपमेंट किया है। आज की तारीख में बिजली प्रोडक्शन में इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं है, वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब राइट नाउ, राइट। आगे बढ़ेंगे एडुकेशन की अगर हम बात करेंगे। सो भैया पढ़ाई लिखाई तो आपको पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आज तक मैं जब छोटा था ना, आपके लेवल आपकी उम्र का था, तो मैं यही सोचता था क्या जरूरी है पढ़ाई लिखाई, इज इट नेसेसरी। बिना पढ़े भी तो लोग क्या क्या करते, ऑफकोर्स करते थे सर, वो जमाने थे। अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि अनपढ़ आदमी आज कुछ नहीं करता, यू विल गिव मे मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे आदमी पढ़ा लिखा ना होके भी बहुत कुछ कर लेता है। बट मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा होना मतलब आपकी विचारधारा बड़ी होनी चाहिए, आपकी माइंडसेट ओपन होना चाहिए, राइट। आप चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होने चाहिए, चेंजेस आपके लिए बहुत ईजी होने चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी को समझाना बहुत ईजी है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास ओपन माइंड है, राइट। बट एक अनपढ़ आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है यार, वो ढीठ है, अटक जाता है इस चीज पे। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाले इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को इजीली अपना लो और अपने बिजनेस को, अपने काम को उसके हिसाब से चेंज कर लो, राइट। इसलिए एडुकेशन बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स और अबव हु कैन रीड एंड राइट आर लिटरेट एंड द रेस्ट आर इलिटरेट, दे आर मोस्टली पुअर। आप देखोगे कि 19% जो गरीब लोग है वो अनपढ़ होते हैं, और एक तरह से ऐसा बोलो कि वो अनपढ़ है इसलिए वो गरीब है, कॉमन सेंस है। क्योंकि अगर वो बाई चांस पढ़े लिखे होते तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना काम कर लेते, बट वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो गरीब है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर आप 15 साल की उम्र के हो और आपको लिखना या पढ़ना नहीं आता हो, मतलब आप इलिटरेट कैटेगरी में माने जाओगे। लो एडुकेशन अमंग पुअर मेक्स देम कंजर्वेटिव, एक तो एक बेचारा आदमी गरीब है इसलिए बहुत कंजर्वेटिव हो जाता है, राइट। अपनी चीजों को लेके, अपने रिलीजन को लेके, अपनी जमीन को लेके, अपने विचारों को लेके वो कभी भी चेंज होने को रेडी नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन वो कभी भी चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, राइट। हमारी कंट्री में ये तो आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, बड़ा ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, राइट। किसी के पास खाने को खाना नहीं और कोई बेचारे खा खा के मोटे हो रहे हैं, राइट। कोई बेचारा रोटी कमाने के लिए भागता है तो कोई रोटी पचाने के लिए भागता है, राइट। वी ऑल नो दिस थिंग, राइट। सो हमारी कंट्री में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइक्वल है, और ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने पैसे वालों को और पैसा वाला बना दिया और गरीब बेचारे और गरीब रह गए। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, उसके कारण भी गरीबी बढ़ने लग गई थी, राइट। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारी कंट्री की कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई थी एज कम्पेयर टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट इकोनॉमिक ग्रो हुई थी, जीडीपी बढ़ा था, वो सब अच्छी बात है, बट इनइक्वालिटी भी बढ़ने लग गई थी साथ साथ में, गरीबी भी बढ़ने लग गई थी साथ साथ में, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग गया था साथ साथ में। तो अच्छे के साथ बुरा होता है, मैं 1991 के रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं हूं, बट कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स ने कुछ ना कुछ तो तहलका इकोनॉमी में मचाया था। अगर हम कंपेयर करें टॉप 1% रिच पीपल कितना नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यूएसए में 2012 में रिचेस्ट 1% 18.9% कंट्रीब्यूट करते थे, जो इंडिया में 12.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हमारी कंट्री के रिचेस्ट 1% लोग हमारी पूरी कंट्री की 12.6% वेल्थ अकेले जनरेट करते हैं, विच इज अ ग्रेट सिंबल ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन आर इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वापस से मैंने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन था 1991 के रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स ने हमने हमारी कंट्री की बाउंड्रीज खोल दी, ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होगी, कैपिटल इंडस्ट्रीज ज्यादा आ रही थी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बहुत कम आ रही थी, इसलिए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल फट गया था एकदम, राइट। बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे क्योंकि उनके पास किसी भी तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई जॉब उनको नहीं मिल रहा था, उनके पास कोई भी तरह का काम नहीं मिल रहा था क्योंकि जॉब जनरेशन बहुत कम हो गए थे, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द इंडिकेटर्स, ये कुछ इंडिकेटर्स थे हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के पॉवर्टी को जानने के लिए कि कौन सी कंट्री गरीब है कौन सी अमीर है, वो आप इन इंडिकेटर्स से इजिली पता लगा सकते हो। आगे बढ़ेंगे, भैया क्यों आदमी गरीब होता है, सर एक चीज समझना, अगर आप गरीब पैदा हुए उसमें आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मर गए तो आपकी गलती है भैया। सो ये है कि गरीब
किन किन रीजन से लोग गरीब होते हैं, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस। मैं आपको बता सकता हूँ कि गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इजीली गरीब हो सकते हो। आपको गरीब होना हो तो तीन चीजें करो। सबसे पहला, जिंदगी में कभी भी रिस्क मत लो, आप हमेशा गरीब बनोगे, आई गारंटी आप गरीब ही रहोगे। दूसरा, आपके पास जब भी आइडल टाइम हो भैया, अमेजोन देखो, प्राइम वीडियोज देखो, हॉटस्टार देखो, राइट, फालतू की वेब सीरीज देखो, मैं गारंटी देता हूँ आप खुद अपना रास्ता बना रहे हो गरीबी की तरफ। और तीसरा, आप अपने कमाए हुए पैसों को शौक मौज में लगा दो, राइट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में लगाओ, महंगे महंगे आईफोन्स खरीदो, महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदो, महंगे महंगे कपड़े खरीदो। सर, आप अपनी गरीबी की दिशा खुद बना रहे हैं। सो आई कैन गिव यू थ्री वेज हाउ यू पीपल कैन बी पुअर, राइट। सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ बिकमिंग पुअर। आई एम सेइंग यू बिकमिंग पुअर, राइट, दैट फर्स्ट नॉट मेकिंग गुड यूज ऑफ योर टाइम, सेकेंड यूटिलाइजिंग योर मनी एंड जस्ट शो ऑफ थिंग्स, राइट, मोबाइल फोन खरीदना, महंगे कपड़े खरीदना, आप अपनी चीजों को और खाली अपनी चीजों को दिखावे के लिए आप अपना पैसा खर्च रहे हो। और तीसरा, आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो। अगर आप ये तीन काम नहीं कर रहे हो तो आप 100% गरीब 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 बनने जा रहे हो, राइट। आपने अपना रास्ता खुद ढूंढा है भैया, मुझे मत कहना, राइट। चलिए आते हैं अपनी किताबों की तरफ वापस से। व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के बेसिक पांच कॉजेज होते हैं। सबसे पहला होता है हिस्टोरिकल रीजन, ये तो हमें पता ही है यार, जब भी हिस्ट्री की बात आती है हम अंग्रेजों को याद करते हैं, राइट। ब्रिटिशर्स वर द फर्स्ट वन जिनके कारण हमारी इंडिया इस पर्टिकुलर रास्ते पे पहुंचे, गरीबी के रास्ते पे पहुंची है। हमारी कंट्री को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, राइट, गोल्डन बर्ड। ऐसा कहा गया है कि ब्रिटिशर्स ने 150-200 साल तक हम पे राज करके हमारी पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया, राइट। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला ये देश धीरे 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 गरीबी की तरफ बढ़ता गया, राइट, एकदम गरीब होते जा रहा है ये देश। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बना दिया और फिनिश गुड्स कंजप्शन कंट्री बना दिया। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वो लोग इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में फिनिश गुड्स बना के वो फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में लाके बेचते थे। रॉ मटेरियल खरीदते थे एकदम सस्ते भाव में, फिनिश गुड्स बेचते थे एकदम महंगे भाव में, और हमारी कंट्री की ऐसी की तैसी कर दी। सो ये पहला रीजन तो भैया हमारी हिस्ट्री है, अंग्रेज है जिन्होंने हमारे देश पे राज करके हमें गरीब बना दिया। दिस इज हिस्टोरिकल रीजन। और भी छोटे मोटे रीजन और है। नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब आप अगर गांव में जाओगे तो भैया वहां क्यों गरीबी है? पहला रीजन, नेचुरल कॉज, बारिश नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, गर्मी बहुत है, नेचर वहां बहुत क्रूर है यार, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती है, ड्रॉट फेमाइन वहां आता जाता रहता है, इसके कारण वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। और दूसरा उनका डेमोग्राफिक फैक्टर, वो ऐसी जगह बैठे जहाँ पे ना पानी है, ना हवा है, ना बारिश है। सो उस रीजन के कारण, पहाड़ों पे बैठने के कारण, डेजर्ट में रहने के कारण, उनका डेमोग्राफिक कंडीशन ऐसी है कि वहां पे वो लोग अपने इनकम इतना इजी जनरेट नहीं कर पाते हैं, राइट। दिस इज द रीजन ऑफ रूरल पॉवर्टी। इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं, गरीबी पॉवर्टी के इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। हमारे यहाँ पे एक लेबर जितना प्रोडक्शन करता है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप नेशन। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आपको पर लेबर की एवरेज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड साइंटिफिक टूल्स। सेकेंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसी के पास जमीन बहुत छोटी है, किसी के पास जमीन बहुत 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 बड़ी है। तो जिस बेचारे के पास, जिस फार्मर के पास छोटी जमीन है, वो उस जमीन के लिए महंगे महंगे मशीन खरीद कर नहीं ला पाता, साइंटिफिक मेथड यूज नहीं कर पाता है, इसलिए वो बेचारा जिंदगी भर गरीब रह जाता है। नेक्स्ट वन, मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। हमारी कंट्री में आज भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत कम है। सर, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज मोस्टली लेबर इंटेंसिव होते हैं, वो लोगों को काम पे रख के अपना बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत घर चलाती है। सो ऐसी इंडस्ट्रीज का होना हमारी इकोनॉमी में बहुत गरीबी को हटाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, बट वो इतना ज्यादा ना होने के कारण हमारी कंट्री में गरीबी है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइजेस, महंगाई धमाधम बढ़ रही है भैया, राइट, प्राइजेस फटाफट इंक्रीज हो रही है। सो महंगाई जितनी बढ़ रही है उसके सामने हमारी इनकम उतनी नहीं बढ़ पाती, इसलिए हम गरीब होते जा रहे हैं, पॉवर्टी हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है। एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी आई जा रही है हर दिन, आदमी को रिप्लेस करने के लिए मशीन बनाई जा रही है, तो आदमी का काम छीनता जा रहा है, वो अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है, उसके कारण जब कमाई नहीं रहेगी तो आदमी गरीब बनना ही बनना है। सो दिस इज अगेन अ रीजन, दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, लो लेवल ऑफ एडुकेशन। भैया पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पैसा कैसे कमाओगे? पैसे कमाने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड इज जेंडर इनइक्वालिटी। हमारी कंट्री में आज भी वेमेन्स को मैन जितने इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इक्वल सैलरीज नहीं मिलती, इक्वल पे नहीं मिलता है, उसके कारण भी हमारी इकोनॉमी में गरीबी आपको देखने मिलेगी। और भी छोटे मोटे रीजन है, वॉर, कभी कभार हम झगड़ा वॉर अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में वॉर में इतना पैसा लगा देते हैं कि इकोनॉमी को डेवलप करने पे हमारा फोकस ही चला जाता है। अब वॉर के कारण हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने पड़ते हैं,
हमें महंगे महंगे फाइटर जेट्स खरीदने पड़ते हैं, महंगे महंगे मिसाइल्स खरीदनी पड़ती है। सो इस पर इतना पैसा लग जाता है कि भैया कंट्री के अंदर की गरीबी पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। द लास्ट वन इज डिफेक्टिव पॉलिसी। कहीं ना कहीं हमारी सरकार की बहुत बड़ी गलती है, उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है कि वो हमारी कंट्री की गरीबी को हटा सके। सो उनकी पॉलिसी अच्छी ना होने के कारण हमारी कंट्री में गरीबी बढ़ती जाती है, राइट? दीज आर बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, मैं अभी से बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं, ये 100% एग्जाम आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश करो। अगर लग रहा है याद नहीं हुआ, 2 सेकंड के लिए वापस रिमाइंड करो, वापस से सुनो, राइट? दो दो तीन तीन बार मुझे सुनते रहो, आपको 100% याद होगा ही होगा, राइट? प्लीज प्लीज मेरे साथ साथ बैठ के याद करने की हैबिट रखो। इकोनॉमिक्स अकेले नहीं पढ़ा जाएगा, राइट? ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आपको मेरी शक्ल दिखती रहेगी तो पढ़ने में मजा आता रहेगा, राइट? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द बेसिक मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब गरीबी कम करने के लिए भैया हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं गरीबी कम करने के लिए, राइट? सबसे पहला जो ऊपर आपको सिंपल उनको रिवर्स करना, राइट? जैसे कि सबसे पहले भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करो, क्योंकि मैंने कहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव होती है, बहुत जॉब क्रिएट करती है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो उन्हें इंप्रूव करो, उन्हें डेवलप करो। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को डेवलप करो, मतलब सरकारी सेक्टर्स जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे एक आदमी के पास जो नौकरी होती है वो लंबे टाइम तक रहती है, उससे जॉब के साथ साथ जॉब के बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश करो। टैक्स पॉलिसीज को इम्प्रूव करो, जिससे गरीब को फायदा हो, अमीर की जेब थोड़ी खाली हो और गरीब की जेब तक पैसा पहुंचता रहे। ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करो, मतलब आपके यहाँ पे अभी ह्यूमन है, अब आपके जैसे इंडिया, राइट? इंडिया के पास आबादी है 150 करोड़ की आबादी है, ओके? अब इस ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे, उनकी एडुकेशन पे, उनकी ट्रेनिंग पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने सच में वो इस ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया तो सर आपकी इकोनॉमी रॉकेट हो जाएगी, राइट? बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो आपको ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। एंड द लास्ट वन, आपको कोशिश करना है कि जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, जो लोग बहुत गरीब है, उनको आप गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करो, जिससे वो अपना रोजगार चलाते रहे, उनका भी घर परिवार चलता रहे। ये आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में पॉवर्टी रिड्यूस हो, तो आपको ये मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, राइट ना? और एक बात बचा लोग, अगर आप चाहते हो कि आपको मेरे नोट्स मिले, आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर नोट्स आप तक पहुंचे, तो आपको हमारे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, वहां पर आप हमें रिक्वेस्ट डालें, हम आपको सारे नोट्स भेज देंगे। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको नोट्स चाहिए, मेरी टीम हमेशा बैठी रहती है, आपको आधी रात को भी नोट्स प्रोवाइड करने को तैयार है, राइट? सो हमारे पास बहुत सारे हैंड रिटन एज वेल एज टाइप नोट्स है, आपको जो भी चाहिए आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपको 100% देंगे, राइट इनफ? सो वो थे 6, और पढ़ते हैं आगे, और क्या बेसिक तरीके हो सकते हैं पॉवर्टी को हटाने का। भैया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू करो। पता नहीं, प्रोग्राम्स मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, मेरा पर्सनल व्यू है। बहुत सारे सरकार प्रोग्राम चालू करती है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इंदिरा विकास योजना वगैरह वगैरह, राइट? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मेनी मेनी योजनाज आर डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये योजना के तहत सरकार गांव में जाती है, लोगों को काम देती है, काम के बदले कभी पैसा देती है, कभी खाना देती है। सो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जस्ट विद द मोटिव ऑफ गिविंग सम जॉब टू द पीपल, जिनसे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके, राइट? आपको हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास अच्छे रहने को घर नहीं है, उनको सरकार अपनी आवास योजना के तहत घर बना के देती है, बहुत ही सस्ते दामों में या कभी कभार फ्री में, राइट? नेक्स्ट वन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपको उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आज की तारीख में है आयुष्मान भारत के तहत, हम उन्हें इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज देते हैं, हम उनका माँ कार्ड बनवा रहे हैं जिनसे उनको आगे पेंशन बेनिफिट्स वगैरह मिल सके। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज जनधन योजना। जनधन योजना के तहत हमारी सरकार ने हमारे यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए, राइट? बैंक अकाउंट खुलवाने के बहुत फायदे होते हैं। पहले के जमाने में क्या था, सरकारी स्कीम का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस या रूरल बैंक के पास जाके फॉर्म भरने पड़ते थे, फॉर्म भरने पे आपको उन स्कीम का पैसा या उन स्कीम का बेनिफिट मिलता था। बट कितनी बार लोग चोरी करते थे, राइट? किसी के भी नाम का फॉर्म भरवा लिया, पैसा खुद रख लेते थे। तो सरकार ने देखा भैया ये चोरी तो गलत है, तो सरकार ने क्या किया, जनधन योजना के तहत गाँव में जा जाकर लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाने चालू किए और उन सब बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया, राइट? और ये बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले, करीबन 8-10 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, राइट?
अब गवर्नमेंट की सारी स्कीम का बेनिफिट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है कि भैया अभी लॉकडाउन में सबको 6 महीने के लिए हर महीना 6,000 पर परिवार मिलेगा, तो आपके अकाउंट में सीधे 6,000 हर महीने पहुंच जाते थे, जिससे बीच में चोरी चकारी के सारे काम बंद हो गए थे। तो ये जनधन योजना बहुत अच्छी स्कीम थी गरीबों को भी बैंकिंग सेक्टर में लाने के लिए, गरीबों को बैंकिंग सेक्टर तक पहुंचाने के लिए, उन्हें भी डिजिटल इंडिया का पार्ट बनाने का एक बहुत अच्छा स्टेप था ये जनधन योजना। आ रही है बात समझ में? सो दीज वेर सम ऑफ द मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। टोटल 10 मेजर्स है, आप 7 to 8 लर्न करोगे तो भी चलेगा, राइट इनफ। सो गाइस आज हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश किया, और जैसे कि मैंने कहा ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन है, यहाँ पे मैंने डिटेल में कुछ डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चीजें याद करवा रहा हूँ, और मैं इतना मानता हूँ कि आप लोगों ने मेन चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, आप खाली रिविजन कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें पूरा चैप्टर सिखाओ, तो सर मैं पूरे चैप्टर का वीडियो बनाने को भी तैयार हूँ, बट दैट विल टेक टाइम, 10-15 मिनट में नहीं होगा, उसमें लगेगा 1 घंटा कम से कम, राइट। बट आई एम रेडी टू गो विद द सेम, राइट, मैं आपके लिए वो भी करने को तैयार हूँ। आप खाली मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर का फुल वीडियो चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, हमने एक चैप्टर पूरा फिनिश किया है, इसके आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लगातार ये पूरी की पूरी सीरीज फिनिश करें, जहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा इकोनॉमिक्स आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बना के छोड़ा है। ये वीडियो लेक्चर्स में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरूर से हमें बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय फॉर द डे।